हेलो एंटरप्रेन्योर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूट्यूब, फेसबुक या जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए वीडियोस बना रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पर, उस वीडियो पर थंबनेल टेक्स्ट कैसे लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने और भी बताया और क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो थंबनेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि अगर थंबनेल का टेक्स्ट अच्छा है तो क्लिक थ्रू रेट बढ़ सकता है, आपके वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं। तो वो थंबनेल का टेक्स्ट कैसे लिखना है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उस प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलते रहें। मेरा नाम है अश्विनी ठाकुर फ्रॉम एस्टीम मीडिया। हम वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगा थंबनेल, प्रॉपर थंबनेल लिखने के लिए। सबसे पहली टिप है कीप इट शॉर्ट, यानी कि थंबनेल टेक्स्ट जो होता है ना वो शॉर्ट होना चाहिए। आपका जो टाइटल है वीडियो का वो बहुत लंबा हो सकता है, डिस्क्रिप्शन तो ऑब्वियसली बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन जो थंबनेल टेक्स्ट है वो छोटा होना चाहिए। थंबनेल क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने अभी सर्च करा है गूगल पर, तो ये जो वीडियो से पहले जो आपको दिखता है दैट इज थंबनेल। प्ले करने से पहले जो इमेज आपको दिखती है वो थंबनेल है, उस पर जो लिखा जाएगा वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप कोई भी थंबनेल, जैसे देखिए ये थंबनेल है और इस पर ये जो टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट हमेशा छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। टाइटल चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन दिस शुड बी वेरी स्मॉल, अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल, जो भी तीन वर्ड का भी हो सकता है, 5 वर्ड का भी हो सकता है, 7 वर्ड का भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली इतने ही वर्ड्स का रखें, ज़्यादा लंबा थंबनेल मत कीजिए। सो पहली टिप है कीप इट शॉर्ट। शॉर्ट करने के दो फायदे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो ज़्यादा देर नहीं लगेगी पढ़ने के लिए आपके व्यूअर को। दूसरी चीज़, वो आप बड़ा लिख सकते हैं। तो अगर आप थंबनेल का टेक्स्ट कम होगा तो आप बड़ा साइज बना सकते हैं, जिससे कि वो अच्छे से रीडेबल हो, चाहे आपका व्यूअर मोबाइल पे देखे या कंप्यूटर पे देखे, वो रीडेबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरियोसिटी ऐड कीजिए। ख़ास तौर से अगर आप देखें न्यूज़ चैनल्स के वीडियो को देखिए, आप YouTube पर न्यूज़ चैनल्स का सर्च कीजिए और न्यूज़ चैनल के थंबनेल देखिए, आपको वहाँ पर ये बहुत मिलेगा देखने को। क्योंकि आप देखिए, एक ही न्यूज़ है, उसको बार बार दिखा रहे हैं, हर न्यूज़ चैनल वही चीज़ दिखा रहा है, तो अब वो क्या करें कि वो डिफरेंट हो। वो वहाँ पर क्यूरियोसिटी डालते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जानिए ये क्या हुआ, ऐसा किसने किया, क्यों किया, तो क्यूरियोसिटी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा ये वीडियो है, इसका थंबनेल, अब मेरे को नहीं पता इसका थंबनेल क्या होने वाला है, मेरे को नहीं पता इसका टेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि ये मेरी जो टीम है वो लिखती है। लेकिन अगर इसका थंबनेल ये हो जाए कि ऐसे लिखता हूँ मैं अपने वीडियोस का थंबनेल, इस तरह हम वीडियो का थंबनेल लिखते हैं, या फिर अगर कोई मेरा बहुत, मेरे दूसरे चैनल्स हैं जहाँ पर लाखों में व्यूज़ हैं, करोड़ों में व्यूज़ हैं, तो ये लिख सकते हैं कि इस तरह से थंबनेल लिखने पर पाया मैंने 1 मिलियन व्यू। तो ये एक तरह से क्या हुआ, क्यूरियोसिटी हो गया कि यार इसने ऐसा क्या करा कि इसको 1 मिलियन व्यूज़ मिल गए। तो वो मैं टाइटल में डाल सकता हूँ कि इस तरह से थंबनेल यूज़ करा तो मिले 1 मिलियन व्यूज़, या फिर ये इस तरह से कोई भी चीज़, या फिर क्या है थंबनेल का राज, थंबनेल लिखने का राज। मतलब अब मैं न्यूज़ रीडर की तरह आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं आप इसी तरह से लिखें, हम भी इतना एग्जैजरेट नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है, यानी कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि व्यूअर को लगे यार ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ दिस। तो ये कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, ये कोई ऐसी हो सकती है जो क्लिक करने पर ही आप समझें कि क्या है। इस क्यूरियोसिटी का एक एग्जांपल ये भी होता है, कई बार कुछ लोग होते हैं ना, बात करते हैं, बोलते हैं अरे सुना, अरे पता उसने क्या कहा। तो अब वो आपसे ये बोल रहा है कि अरे पता उसने क्या कहा, आप ऑब्वियसली यही बोलोगे बता क्या कहा, क्योंकि उसने बात ही ऐसी बोली कि अरे पता उसने क्या कहा, तो आपको हाँ बता यार क्या कहा। तो यही बात है क्यूरियोसिटी में, कि अगर आप वीडियो थंबनेल में ऐसी कोई चीज़ डालते हैं कि वहाँ पे ये हुआ, उसने ये कहा, या फिर अगर आप वैल्यू वीडियो बना रहे हैं हमारी तरह, तो ये करने से ये होगा, ऐसा करा जाता है, हमने ये किया तो ये रिजल्ट मिला, तो व्यूअर सोच सकता है कि यार ये क्या किया जो रिजल्ट मिला, व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन द वीडियो। तो एक क्यूरियोसिटी, एक क्वेश्चन हो जाता है थंबनेल पढ़ने के बाद, और आप प्रॉम्प्ट होते हैं कि क्लिक करें। टाइटल अलग है, थंबनेल अलग है, टाइटल से कन्फ्यूज मत होइए। टाइटल जो होता है वो SEO के लिए होता है और वहाँ पर बहुत सारी ब्रांडिंग होती है, लेकिन थंबनेल में हम ये नहीं करते हैं। थंबनेल में हम बस क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं, छोटा लिखेंगे और कुछ क्यूरियोसिटी ऐड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर थंबनेल टेक्स्ट क्यूरियोसिटी वाला हो, बट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च कीजिए। अब रिसर्च का मतलब क्या होता है, कॉपी फ्रॉम वन इज़ चीटिंग,
कॉपी फ्रॉम मैनी इज रिसर्च, यानी कि किसी एक का कॉपी करेंगे तो वो कॉपी हो गया, लेकिन आप रिसर्च कीजिए, आपका जो वीडियो का टॉपिक है उसको यूट्यूब पर सर्च कीजिए और देखिए बाकी लोग किस तरह का इसमें थंबनेल यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का कर रहे हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। एक और मैं कोटेशन हमेशा बोलता हूँ कि ग्रेट स्क्रिप्ट्स या फिर ग्रेट थंबनेल टेक्स्ट इज नॉट रिटन, इट इज़ री रिटन। ग्रेट कॉपी इज नॉट रिटन, इट इज़ री रिटन। यानी कि आपको पहले एक लिख दीजिए थंबनेल, बड़ा होगा कोई बात नहीं, उसके बाद उसको काट छाट करिए, उसको छोटा कर दीजिए, यानी कि उसको और रिफाइन कर दीजिए, तो और दूसरों से रिसर्च कीजिए और फिर उसके बाद आप उसको रीराइट कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। फोर्थ टिप है पावर वर्ड यूज़ कीजिए, एडजेक्टिव यूज़ कीजिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि हाउ टू राइट थंबनेल, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा हाउ टू राइट अट्रैक्टिव थंबनेल या फिर हाउ टू राइट कैची थंबनेल। तो मैंने सिर्फ बात नहीं लिखी, मैंने उसके पहले एक पावर वर्ड यूज़ कर लिया, उससे पहले एक एडजेक्टिव यूज़ कर लिया कि सुबह जल्दी कैसे उठें, ये बात है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सुबह ताजगी के साथ कैसे उठें, तो ये एक ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो आप इस तरह के कुछ एडजेक्टिव या पावर वर्ड्स यूज़ करिए अपने थंबनेल में। लास्ट टिप इज कि यहाँ पर आपको SEO या ब्रांडिंग नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं, थंबनेल पर भी ब्रांडिंग करते हैं, उस टेक्स्ट में भी लिखते हैं कि अपनी ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम, अपना नाम, या बहुत लंबा लंबा लिखते हैं। वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थंबनेल जो होता है वो सिर्फ देखा जाता है, उसका काम गूगल की सर्च में नहीं होगा, गूगल या यूट्यूब की सर्च में या फेसबुक के सर्च में उसका कोई काम नहीं है। सर्च में काम आ रहा है आपका टाइटल और आपकी डिस्क्रिप्शन और आपके टैग्स, जो मेरा दूसरा वीडियो आप देखना उस वीडियो को। यहाँ पर जो थंबनेल है इसका मकसद सर्च इंजन करने के लिए नहीं है, ब्रांडिंग करने के लिए नहीं है, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च में आने के लिए नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि कस्टमर आपका व्यूअर जब उसको देखे तो वो उसको देख के अट्रैक्ट हो और क्लिक करने पर आप उसे मोटिवेट करें, कन्विंस करें कि वो क्लिक करें आपके वीडियो पर। यही आपका मकसद है थंबनेल टेक्स्ट का। सो ये वीडियो में जो डिस्कशन हुई है, इट इज़ ऑल अबाउट थंबनेल टेक्स्ट कैसे लिखना है, यहाँ पर थंबनेल के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखना है, थंबनेल को बनाना कैसे है। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इसका मेरा एक दूसरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो है जिसमें हमने कैनवा यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे अपना थंबनेल बना सकते हैं अपने यूट्यूब फेसबुक सब जगह के लिए, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, तो हमारी कंपनी ST मीडिया आपकी हेल्प कर सकती है। वेबसाइट डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, डिजिटल कार्ड्स और भी बहुत सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।